नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo A59 5G वर्सेस Lava Yuva 3 Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Oppo A59 5G में 6.45 इंच जबकि Lava Yuva 3 Pro में 6.5 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Oppo A59 5G में 2.96 इंच जबकि Lava Yuva 3 Pro में 3 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Oppo A59 5G में 0.32 इंच जबकि Lava Yuva 3 Pro में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Oppo A59 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Oppo A59 5G में 187 ग्राम जबकि Lava Yuva 3 Pro में 200 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Oppo A59 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Oppo A59 5G में 6.56 इंचेस जबकि Lava Yuva 3 Pro में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Oppo A59 5G में 720x1612 और Lava Yuva 3 Pro में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Oppo A59 5G में 84.46% जबकि Lava Yuva 3 Pro में 81.24% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Oppo A59 5G में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Lava Yuva 3 Pro में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Oppo A59 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Lava Yuva 3 Pro की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में सेकेंडरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Oppo A59 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Lava Yuva 3 Pro की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Oppo A59 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Lava Yuva 3 Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Oppo A59 5G में Mali G57MC2 जबकि Lava Yuva 3 Pro में Mali G57 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Oppo A59 5G में MediaTek Dimensity 6020 और Lava Yuva 3 Pro में Unisoc T616 मिलता है। बात करें RAM की तो Oppo A59 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB की RAM मिलती है, जबकि Lava Yuva 3 Pro में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Oppo A59 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Lava Yuva 3 Pro में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Oppo A59 5G में अप टू 1TB जबकि Lava Yuva 3 Pro में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V13 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो
ओप्पो A59 5G में दो कलर्स जबकि लावा यूवा 3 प्रो में तीन कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो ओप्पो A59 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें लावा युवा 3 प्रो की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 9,499 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो ओप्पो A59 5G में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें लावा युवा 3 प्रो की तो उसमें 7 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में लावा युवा 3 प्रो आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में ओप्पो A59 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें नोकिया C32 है, दूसरा पोको C65 है, तीसरा पोको C65 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें शाओमी रेडमी 13C है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।